नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक मराठा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल चोरी होने के बाद उसको कैसे ढूंढा जाए। तो दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट चालू की है, एक पोर्टल खोला है नया वाला, जिसके थ्रू आपका खोया हुआ मोबाइल तुरंत आपको मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक मस्त से पोर्टल बनाया, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास उसमें कौन कौन से मोबाइल के सिम थे, दोनों सिम या दो डबल सिम का है तो, या सिंगल सिम का है तो कौन सा सिम था, उसका नंबर क्या था, कौन सी कंपनी का था, और वो किस जगह पे लॉस्ट हुआ है, मतलब खो गया है, चोरी हो गया है, कौन सी जगह पे हुआ है, उस समय कितने बजे थे, वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भी होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप अपना मोबाइल ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जो पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ने, वो कैसा है, क्या है उसमें, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके पहले दोस्तों, कि आपको काम करना है, अगर आप अपना मोबाइल खोया हुआ ढूंढना चाहते हैं या ये ट्रिक को समझना चाहते हैं, तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे का जो लाइक का बटन है उसको दबा के ब्लू कर दीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ये जो बेल आइकॉन आया है इसको भी दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए। दोस्तों, बस इतना सा काम करना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आपको एक कमेंट करनी है, गुड या वाव या अमेजिंग, इसका तरह से कोई भी आप कमेंट कर सकते हो, और बस सेंड कर दीजिए। दोस्तों, इतना सा काम करना है। दोस्तों, लाइक और कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये सब फ्री में होता है, लेकिन अगर आप करते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन दबाते हो, तो मैं जैसे ही नया वीडियो डालता हूँ तो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाती है, तो इसलिए आपको ये सब कुछ करना है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कौन सा पोर्टल है और वो उसमें क्या क्या सेटिंग करनी है, और कैसे देखना है कि अपना मोबाइल गुम हो चुका है, उसको कैसे ढूंढना है। तो इसको करते हैं बंद, और चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो पोर्टल के बारे में। तो गवर्नमेंट का पोर्टल है, आपको सिंपली जो आपका ब्राउज़र है उसमें जाके टाइप करना है CEIR.gov.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, तो जैसे आप वो ओपन करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप देख रहे हैं दूरसंचार विभाग का नोटिफिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों, इस पोर्टल पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी, ये आपको सब कुछ फिल करनी पड़ेगी। तो आपको इसमें क्या क्या लिखना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ आपको फिल करना पड़ेगा, तो इसको पहले शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, आप देख रहे होंगे रेड, ग्रीन और ब्लू टाइप है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको ब्लॉक या स्टोलन लॉस्ट मोबाइल ऐसा लिखा है, ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल, मतलब आपका जो लॉस्ट हुआ है मोबाइल या चोरी हुआ है उस मोबाइल को आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, जैसे आपको मोबाइल मिलता है उसको अनब्लॉक करना, मतलब जो आपने बंद कराया था मोबाइल, ब्लॉक किया था, उसको ओपन करना। और तीसरी चीज़ है चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, जो पहले हमको करना है, जैसे मोबाइल लॉस्ट होता है आपका, चोरी होता है, तो आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन पर जाना पड़ता है। तो आप जैसे ही पहले ऑप्शन पर जाते हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा गवर्नमेंट की इस पर वेबसाइट पर। तो आप इस पोर्टल को जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ इस तरह से लिख के आएगा, यहाँ पे आप गौर से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंटली ऑपरेशनल फॉर महाराष्ट्र एंड दिल्ली सब्सक्राइबर्स ओनली। ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए और सिर्फ महाराष्ट्र में जो रहते हैं उनके लिए है, ये आगे चल के सब एरिया में हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र वालों के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पोर्टल पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। पहले डिवाइस की इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो पहला है मोबाइल नंबर, आपको जो भी उस मोबाइल में नंबर था, सिम कार्ड था, उसका मोबाइल नंबर आपको, अगर डुअल सिम है तो दोनों मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करने हैं, एक फर्स्ट में, सेकेंड में डुअल सिम। दूसरा, उसके आगे की इन्फॉर्मेशन भरनी है IMEI नंबर, ये आपके मोबाइल में होता है या आपके इनवॉइस के ऊपर लगा रहता है, ये आपके मोबाइल में होता है। तो मोबाइल में कैसे चेक करना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा।
तो इसमें आपको दोनों ईएमआई नंबर डालने हैं, उसके नीचे डिवाइस का ब्रांड कौन सा कंपनी का था, यहाँ से आपको ब्रांड की सीरीज मिलेगी सिलेक्ट करके जो लिखा है उसके अंदर जाने के बाद। तो आपको यहाँ से आपकी कंपनी ढूंढनी है कि सैमसंग है या ओप्पो है, रेनो है, जो भी है आपका मोबाइल, वो यहाँ से आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है। उसके नीचे मॉडल नंबर लिखना है, डिवाइस मॉडल नंबर, जैसे S7, A30, F11, इस तरह से जो मॉडल नंबर रहता है वो यहाँ पे डालना है। उसके नीचे आपको मोबाइल परचेस करते टाइम जो आपको इनवॉइस मिला है, बिल मिला है, बिल की कॉपी, वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। उसके नीचे लॉस्ट की इन्फॉर्मेशन भरनी है, मतलब चोरी या जो भी हुआ है आपसे, गलती से गुम हो गया है या चोरी हो गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे आपको डालनी होती है। जैसे कि लॉस्ट प्लेस, कौन सी जगह से आपका मोबाइल गुम हो चुका है वो जगह, उसके बाद में लॉस्ट डेट, मतलब कौन सी तारीख को आपका मोबाइल गुम हुआ है उसकी तारीख, जैसे आप देख सकते हैं तारीख और उसके सामने फिर टाइम भी आता है, तो आपको दोनों सिलेक्ट करना पड़ेगा। अंदाजन टाइम डाल सकते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे। उसके नीचे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको स्टेट की लिस्ट मिलेगी, आप देख सकते हैं ये पूरी स्टेट की लिस्ट है, यहाँ से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, लेकिन ये फ़िलहाल सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली में चलता है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आएगी, स्टेट के हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, फिर सिलेक्ट पुलिस स्टेशन, आपको पुलिस स्टेशन दिखाई देगा, फिर पुलिस स्टेशन की कंप्लीट कॉपी, यहाँ पे आपको कंप्लीट नंबर डालना पड़ेगा कि आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लीट दी है तो उसका कंप्लीट नंबर क्या है, इधर लिखना है और नीचे कंप्लीट कॉपी को यहाँ से अपलोड करना है। और इसके नीचे ऐड मोर कंप्लेंट पे आपको मोबाइल ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जैसे कि ओनर का नाम, अगर आपका खुद का नाम डालना है, नीचे एड्रेस, फिर अपलोड आइडेंटिफाई, मतलब आपका कुछ आईडी कार्ड होगा, जो भी आधार वगैरह होगा उसके, यहाँ पे उसका नंबर और यहाँ पे अपलोड करना है। उसके नीचे आइडेंटिटी नंबर, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो मोबाइल मिलेगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी, या तो फिर आपको मोबाइल पे भेजी जाएगी, और यहाँ पे आपको मोबाइल के लिए दूसरा जो आपके पास मोबाइल चल रहा है अभी फ़िलहाल हाथ में जो मोबाइल है उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आपको गेट ओटीपी करना है, और जो ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ पे डालना है और नीचे डिक्लेरेशन में टिक करके सबमिट कर देना है। बस आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन इतनी भरनी पड़ेगी, और जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन भरोगे तो गवर्नमेंट आपके मोबाइल को ढूंढेगी, और गवर्नमेंट जैसे ही ढूंढेगी तो आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है आपका अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, इसको आपको फिर ओपन करना पड़ेगा कि आपको मोबाइल मिल गया, या आपको इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने आपको मेल कर दिया कि आपको मोबाइल मिल चुका है, तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ओपन करना है, फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी डालना है जो आपने कंप्लीट करते टाइम डाली थी वो, और उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आपको ओटीपी आया था जब आपने ब्लॉक करते टाइम डाला था अपने हाथ में जो मोबाइल है उसका, और उसके नीचे आपको और एक मोबाइल नंबर डालना है जो अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा तो, और उस पर ओटीपी लेना है, और वही ओटीपी आपको आगे डालना है। दोस्तों ये वही दूसरी इन्फॉर्मेशन। अभी तीसरा जो ऑप्शन है, अगर आपको अभी तक मोबाइल हाथ में नहीं मिला है, मतलब गवर्नमेंट का मेल आया है या मोबाइल पर मैसेज आया है, फ़ोन आया है, लेकिन आपको अभी तक नहीं मिला है मोबाइल, तो आपको ये थर्ड ऑप्शन पे जाना है और चेक रिक्वेस्ट सिस्टम पे चेक करना है कि अभी तक वो मिला क्यों नहीं मोबाइल, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी, वो कब मिलेगा वगैरह सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये पोर्टल है गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस पोर्टल के बारे में कि ये सही है या गलत है, इसमें क्या त्रुटि है, क्या अच्छाई है, आपका मोबाइल ढूंढने में गवर्नमेंट ने जो बनाया वो सही है या गलत है, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि गवर्नमेंट ने जो बनाया वो सही है या नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो बनाया है इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने का काम मेरा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक बात बताना भूल गया, मैं आपको बताने वाला था कि ईएमआई नंबर कैसे चेक करते, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टली। आपको डायल पैड ओपन करना है और यहाँ पर सिर्फ एक कोड डालना है, *#06 और हैश, बस आप इतना सा करोगे देखिए आपका IMEI नंबर सामने आ चुका है। इस तरह से आप अपना IMEI नंबर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।